इवन तो आज हम ड्रग ऑफ चॉइस पॉइजनिंग के बारे में या एंटीडोट के बारे में आज इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम सॉरी डिस्कस करने वाले हैं कौन से किस ड्रग की पॉइजनिंग में हम कौन सी एंटीडोट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में हम एनएसिटिल सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरिस की पॉइजनिंग में एट्रोपिन, मेथोट्रेक्सेटिन में फोलोनिक एसिड, एथिल ग्लाइकोल पॉइजनिंग में फोमोप्रेजोल, वाइफरीन की पॉइजनिंग में विटामिन के, हेपेरिन पॉइजनिंग में पोटेशियम के सल्फेट यूज़ करते हैं, एरक्यूट मरकरी में डाइमकारपोल यूज़ करते हैं, थियोफाइलिन की अगर ओवरडोज हो जाए तो हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, आयरन की पॉइजनिंग में डेफ्रक्समाइन यूज़ करते हैं, कॉपर पॉइजनिंग में डीपेनिसिलिन और जिंक एक्सेट, एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में डाइफेरमकोनोल यूज़ करते हैं, कार्बोनेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन, कैल्शियम चैलेंज ब्लॉकर की पॉइजनिंग में हम कैल्शियम और ग्लूकोनेट यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एंटीकोलर्जिक ड्रग की पॉइजनिंग में हम फिस्टिगोमिन यूज़ करते हैं, मेथाइल लेक्सिथीन पॉइजनिंग में हम पेशेंट का बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, एर्गोटेलोकोर की पॉइजनिंग में हम पेशेंट को सोडियम न्यूट्रोपुरोसाइड यूज़ करते हैं, अल्फा वन एंड एगोनिस्ट पॉइजनिंग में हम फेंटोलेमिन यूज़ करते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट पॉइजनिंग में प्रोपेनॉल यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग में हाइपरबायरिक ऑक्सीजन की हम उपयोग करते हैं, क्रोनिक मरकरी की पॉइजनिंग में एनएसिटिल प्लेसिनामाइन यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग में हम ग्लूकागोन यूज़ करते हैं, एंटीसाइकोटिक पॉइजनिंग में हम सोडियम बाइकार्बोनेट विद लिडोकाइन हम यूज़ करते हैं, आईएनएच पॉइजनिंग में हम विटामिन B6 यूज़ करते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में एमाइरिन नाइट्राइज और ओपियोड की ओवरडोज में हम नैलोक्सोन यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं एस्पिरिन की पॉइजनिंग में हम विटामिन के फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज़ करते हैं, बेंजोडाइपिन के पॉइजनिंग में हम फिलोमेना जेनिल यूज़ करते हैं और आयोडीन पॉइजनिंग में स्टार्च हम उपयोग करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई था, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसमें हम सारी ड्रग जो दी गई हैं ये एक तरीके से एंटीडोट भी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।